अस्सलामुअलैकुम। नमस्कार। ये देखिए एक दुर्घटना घटी है इधर हमारे रायचूर डिस्ट्रिक्ट में। एक विलेज आता है ये बापुर करके, इधर बापुर शहर में एक विलेज में एक रात में स्नेक बाइट हुआ। एक्चुअली ये स्नेक बाइट होने के बाद इनको मालूम नहीं पड़ा कि स्नेक बाइट हुआ है। होने के बाद रात में वो लोग 12 बजे जाके वॉमिट हो रहा बोल के थोड़ा तबीयत खराब हो रही है बोल के ये लोग सुबह तक इंतज़ार करके सुबह 5 बजे जाके एक उधर एक गुनी के पास एक शायद या ताता जो भी हम मानते हैं, ये एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास के वजह से अभी देखिए हमारे को पेशेंट की हालत आप देख सकते हैं। ऑलरेडी इनको है ना अभी इधर बाद में ये लोग मेरे को सूचना देने के बाद 7 बजे ये लोग मेरे को फ़ोन करे थे। फ़ोन करने के बाद सूचना देने के बाद मैं इनको इधर हॉस्पिटल को सजेस्ट कराया। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल रह चुका है। ये हॉस्पिटल में लाने के बाद इधर ये मालूम हुआ कि ये स्नेक बाइट केस है। तो स्नेक बाइट केस ये हमारे को भी कैसा मालूम होता है, इसके ज़्यादातर ये लोग फ़ोन पे मेरे को सिम्टम्स बता दिए थे। तो गले में पकड़ हो रही है और सर दर्द हो रहा है, सर भारी हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहे है और पेट में मड़ोड़ हो रही है बच्चे। तो ये है स्नेक बाइट के सिम्टम्स है। ये कभी भी ये गलती मत करिए, कभी भी अगर ऐसे सिम्टम्स किसी को दिखते हैं तो सीधा आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ सकते हैं। कोई से भी जादूगुनी ताता लोगों के पास नहीं जाना है। अभी इनका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है। ये देखिए इनको ऑलरेडी 6 से 8 वेल लग चुके हैं। अभी इनकी हालत भी अभी नाजुक है। 48 आवर्स तक का टाइम दिया सर डॉक्टर। तो ये 48 आवर्स पास होने के बाद ये लोगों का शायद मैं समझता हूँ स्टेबल हालत हो सकती है। तो कभी भी कोई ये गलती ना करे कि कोई भी जादूगुनी ताता लोगों के पास ना जाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने के बाद ही आपका एक स्नेक बाइट होने के बाद एंटीवेनम जो है सांप के जहर से ही बना रहता है। तो वो एंटीवेनम लेने के बाद ही इंसान की जान बच सकती है। तो कभी भी आपको अगर स्नेक बाइट होता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी शहर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपका अवेलेबल रहेगा उधर जाके आप उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ना तो जादूगुनी तांत्रिक के पास। देखिए अभी कितना नाजुक हालत में है। तो कभी भी ये गलती मत करिए आप। ये देखिए ये जो अभी परसों जो हाल में एक आज ये 5th डे है, 5 दिन के बाद अब ये पेशेंट जो परसों स्नेक बाइट केस जो कॉमन ट्रेड बाइट हुआ था उसके बाद से हालत बहुत गंभीर थी। उसके बाद से अभी ये लोग ICU से लेके अभी इधर अब डिस्चार्ज करे, वार्ड में शिफ्ट करे। अभी ये पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं। देखिए ये देहात से ये लोग, देहात में एक ऐसा अंधविश्वास है स्नेक बाइट होने के बाद हॉस्पिटल आने के बाद ये लोग क्या है ताता लोगों के पास गोली के पास जाके दवा लेने की वजह से इंसानों की बहुत से लोगों की जान जाती है। तो कभी भी वो गलती ना करे हॉस्पिटल आने के बाद। ऐसे ही करे थे उनको बांधे में उनको सजेस्ट करके इधर रिम्स हॉस्पिटल को लेके आया। लेके आने के बाद ये लोगों के हालत में सुधार है। अभी आज ये डिस्चार्ज हो रहे हैं। देखिए ये पेशेंट भी है, ये उनके साथ में भाई है, वो भाई है और उनके खाला है, इधर बड़े खाला है और ये लोगों का आज डिस्चार्ज है। तो कभी भी ये गलती ना करिए। कभी भी अगर स्नेक बाइट हो गया किसी को तो सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने से जान बच सकती है। ये देखिए अभी परफेक्टली ये लोग पूरा रिकवरी हो गए से, तो आज इनका डिस्चार्ज है। तो यही कहूँगा मैं, कभी भी अंधविश्वास छोड़ के आप लोग कभी स्नेक बाइट हो गया तो सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल एडमिट करने से इंसान की जान बच सकती है। थैंक यू।